People in Chhattisgarh have condemned an IED blast by Naxals in the forest of Gariaband district on May 2nd, in which two policemen were killed. The attack took place less than 10 days after the joint operations conducted by the C-60 Commando Squad of the Maharashtra Police and the CRPF that had killed 37 Naxals in Gadchiroli. ब्लास्ट वगैरह करके यहाँ पर दो जवानों की हत्या कर दी। दहशत बहुत ज़्यादा है और बहुत तकलीफ में जी रहे हैं लोग यहाँ। यहाँ पर नक्सली आए थे अभी कुछ समय पूर्व और उन्होंने दो जवानों की हत्या कर दी। तो स्थिति इतनी गंभीर है यहाँ पर, जो नक्सली जो विकास विरोधी हैं और निरंतर जो यहाँ पर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, स्कूल बनना चाहिए यहाँ पर और काफ़ी कुछ विकास होना चाहिए, लेकिन इन लोग हमेशा रोक लगाते हैं। जन समस्या निवारण शिविर वहाँ पर लगाया जाना था, जिसके लिए फोर्स रोड ओपिंग पार्टी के तहत पूरी कॉम्बिंग कर रही थी और ये कोशिश ये थी कि आमामोड़ा में यहाँ पे जो प्रशासन है वो ग्रामीणों की शिकायत को सुने और ग्रामीणों से बातचीत करके वहाँ पे जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाए। लेकिन चूंकि प्रशासन उस दूरस्थ अंचल में शिविर लगाने जा रही थी और नक्सलियों को कहीं ना कहीं खटक भी रहा था और लगातार जिस तरह से फोर्स का दबाव बस्तर क्षेत्र में था, तो फोर्स के दबाव को कम करने के लिए उन्होंने गरियाबंद को चुना। One may recall in the same Amamora forest area, 9 policemen got killed in a fierce moist attack in 2010.